सनसनी ऑफ इंडिया। एक ट्रांसपोर्टर की विजय सेल्स में गाड़ी चलाने वाले नाबालिग ड्राइवर ने मात्र 3 महीने की तनख्वाह न मिलने पर अपने एक साथी के साथ मिलकर मालिक के खिलाफ साजिश रच डाली। आरोपी ट्रांसपोर्टर को फंसाने के लिए ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में मालिक के नाम पर विजय सेल्स के गोदाम से लाखों रुपयों का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर फरार हो गए थे। आरोपी इतने शातिर थे कि चोरी का सामान दिल्ली में बेचकर अपने मोबाइल बंद करके अंडरग्राउंड हो गए थे। स्थानीय पुलिस के लाख कोशिशों के बाद भी हत्थे नहीं लगे, लेकिन क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज आरके पुरम की टीम ने मात्र एक मोबाइल नंबर की मदद से 100% रिकवरी के साथ आरोपी को अलीगढ़ से दबोच लिया। आरोपी की पहचान मुकंदपुर निवासी नाबालिग, अलीगढ़ निवासी 25 वर्षीय निखिल उर्फ मोहित व चोरी का सामान खरीदने वाला मुकंदपुर निवासी 33 वर्षीय मुकेश उर्फ राहुल के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से चोरी किए 3 स्प्लिट व 4 विंडो AC, 1 फ्रिज व वारदात में इस्तेमाल टाटा एस गाड़ी बरामद हुई है। दिनांक 11 जून 2022 को थाना भलसवा डेरी में विजय सेल्स के मैनेजर ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता विजय सेल्स के मैनेजर राजेंद्र रैना ने बताया था कि ग्राउंड फ्लोर खसरा नंबर 301 223/2 मेन रोड मुकुंदपुर के पते पर विजय सेल्स का गोदाम है। दिनांक 6 व 8 जून के गोदाम के CCTV फुटेज चेक किए तो पता चला कि टाटा एस नंबर DL1LAG5193 के एक नाबालिग ड्राइवर ने उनके गोदाम से कुल 7 एयर कंडीशनर और अन्य सामान चुरा लिया है। थाना भलसवा डेयरी में FIR संख्या 459/2022 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरोपी हत्थे नहीं लगे। अमित गोयल DCP क्राइम ब्रांच ने बताया कि ACP संतोष कुमार की सुपरविजन में क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज आरके पुरम जघन्य अपराधों में शामिल क्रिमिनल्स को दबोचने का काफी अच्छा गुडवर्क कर रही है। इसलिए विजय सेल्स के गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को दबोचने की जिम्मेवारी संतोष कुमार ACP क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज आरके पुरम की सुपरविजन व इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में SI उदयवीर धनवीर, हेड कांस्टेबल सूर्यदेव घनश्याम और नरेंद्र की एक टीम को सौंपा। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम ने क्राइम सीन का फिर से दौरा किया और आरोपियों के बारे में और जानकारी जुटाई। टीम ने आरोपियों की पूरी फैमिली के साथ साथ उनके दूर के रिश्तेदारों व दोस्तों को भी रडा पर लिया, लेकिन आरोपी किसी के संपर्क में नहीं थे। आरोपी इतने शातिर थे कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद सबसे पहले अपने सभी मोबाइल नंबर बंद करके अंडरग्राउंड हो गए थे। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम आरोपी को दबोचने का हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। टीम ने आरोपियों के सभी मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा रखे थे, लेकिन आरोपी इतने शातिर थे कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करना तो दूर अपने किसी जानकार से भी संपर्क नहीं कर रहे थे। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपियों की मूवमेंट और एक्टिविटी पर नजर रखने लगी। आरोपियों ने अपने पुराने सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए थे, लेकिन आरोपियों को लगता था कि किसी और की आईडी पर वो अगर मोबाइल नंबर लेकर इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए उन्होंने किसी और की आईडी पर एक नया मोबाइल नंबर लिया। लेकिन आरोपी एक गलती कर बैठे। आरोपियों ने किसी और की आईडी पर मोबाइल नंबर तो ले लिया, किंतु मोबाइल हैंडसेट अपना पुराना वाला ही इस्तेमाल किया। आरोपियों ने जैसे ही पुराने हैंडसेट में नया सिम डाला, क्राइम टीम के पास मोबाइल हैंडसेट के IMEI नंबर से एक अलर्ट पहुंच गया। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के पास अब आरोपियों का नया मोबाइल नंबर आ गया था। नए मोबाइल नंबर के सर्विलांस से आरोपियों की लोकेशन अलीगढ़ आ रही थी। आरोपियों की लोकेशन मिलते ही टीम ने ACP संतोष कुमार क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज आरके पुरम को इन्फॉर्म किया। ACP संतोष कुमार की सुपरविजन में इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम ने आरोपियों की पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक करके अलीगढ़ में छापेमारी कर आरोपी निखिल उर्फ को दबोच लिया। मौके से आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल टाटा एस नंबर DL1LAG5193 बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मुकुंदपुर निवासी नाबालिग ड्राइवर के साथ मिलकर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी निखिल उर्फ के कहने पर उसके किराए के कमरे से चोरी के 2 AC और 1 फ्रिज बरामद किया गया। आरोपी ने आगे बताया कि 5 AC दिल्ली के मुकेश उर्फ राहुल नाम के व्यक्ति को बेच दिए थे। आरोपी की निशानदेही पर मकान नंबर 135 वीर बाजार रोड गली नंबर 3 मुकुंदपुर पार्ट 1 में छापेमारी कर मुकेश उर्फ राहुल के पास से चोरी के 5 AC बरामद किए गए। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी निखिल उर्फ पुत्र कंचन गली नंबर 2 पंच विहार क्वारसी अलीगढ़ का रहने वाला है। इसने 10वीं तक गुरुकुल गाजियाबाद से पढ़ाई की है। नौकरी की तलाश में 4-5 साल पहले दिल्ली आया और आजादपुर मंडी में हेल्पर और बाद में ड्राइवर का काम करने लगा और दिल्ली के ईशु विहार में किराए पर एक कमरा लिया। इस दौरान उसकी मुलाकात मुकुंदपुर निवासी एक नाबालिग से हुई। नाबालिग 2-3 महीने पहले एक महावीर नाम के ट्रांसपोर्टर के पास ड्राइवर की नौकरी करता था। ट्रांसपोर्टर की गाड़ियां विजय सेल्स मुकुंदपुर के गोदाम में माल लाने और ले जाने में लगी हुई थी।
लेकिन 3 महीने की तनख्वाह न मिलने की वजह से नाबालिग ने नौकरी छोड़ दी थी। आरोपी निखिल उर्फ ने टाटा एस गाड़ी फाइनेंस करवाई और नाबालिग की मदद से महावीर ट्रांसपोर्ट में गाड़ी लगवाकर विजय सल्स के मुकुंदपुर गोदाम में काम करना शुरू किया। नाबालिग आरोपी ट्रांसपोर्ट से लगातार अपनी 3 महीने की सैलरी की मांग कर रहा था, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने सैलरी देने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर नाबालिग ने ट्रांसपोर्ट मालिक को सबक सिखाने की ठानी। नाबालिग ने निखिल उर्फ को अपनी योजना में शामिल किया। निखिल उर्फ को गाड़ी के लिए लिया कर्ज चुकाने और अपने खर्चे के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने नाबालिग के साथ मिलकर दिल्ली के मुकुंदपुर के विजय सल्स गोदाम से इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने की योजना बनाई। नाबालिग आरोपी को लगता था कि विजय सल्स में गाड़ी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लगी है, अगर ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में विजय सल्स से चोरी करेंगे तो सारी बात ट्रांसपोर्टर पर आएगी। नाबालिग आरोपी पहले से ही विजय सल्स के गोदाम में ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सामान लाता और ले जाता था, इसलिए गोदाम में उसकी डायरेक्ट एंट्री थी और गोदाम में तैनात सिक्योरिटी स्टाफ को यह भी नहीं पता था कि नाबालिग आरोपी ने ट्रांसपोर्टर के पास से नौकरी छोड़ दी है। इस बात का फायदा उठाकर दिनांक 6 व 8 जून को नाबालिग विजय सल्स के गोदाम में गया और 2 बार में 7 AC और 1 फ्रिज लोड करके बिना गेट पास के गोदाम से बाहर आ गया। आरोपियों ने चोरी का इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। नाबालिग आरोपी ने मुकुंदपुर निवासी अपने एक रिश्तेदार मुकेश उर्फ राहुल से संपर्क किया और उसे बताया कि वे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के गोदाम में काम कर रहा है और उसके पास नए एसी और फ्रिज हैं, जिनमें मामूली खराबी है। मुकेश उर्फ राहुल ने ऊंचे दामों पर बेचने के लिए उनसे 5 AC खरीदे। पूछताछ में मकान नंबर 135 वीर बाजार रोड गली नंबर 3 मुकुंदपुर निवासी आरोपी 33 वर्षीय मुकेश उर्फ राहुल पुत्र धनेश कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के मधुबनी का रहने वाला है और उसके पिता बिहार पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। उसकी 2004 में दिल्ली जल बोर्ड में ड्राइवर के रूप स्थायी नौकरी लगी थी और 2012 में दिल्ली जल बोर्ड का स्थायी कर्मचारी बन गया था। वो अपनी पत्नी, छोटी बेटी और 1 साल 5 महीने की उम्र के बेटे के साथ दिल्ली के मुकुंदपुर में किराए के घर में रह रहा है। पुलिस को जांच में पता चला आरोपी निखिल उर्फ के खिलाफ पहले से ही थाना बुरारी में FIR संख्या 294/19 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट व आरोपी मुकेश उर्फ राहुल के खिलाफ थाना आदर्श नगर में FIR संख्या 297/12 धारा 186/332 353/34 के तहत मामला दर्ज है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज 7:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।